लेट्स मेक विंटर स्पेशल वेजीज पुलाव। सबसे पहले हमें कुकर रखना है। अब डालेंगे इसमें तेल, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब डालेंगे इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा और एक लौंग और काली मिर्च और थोड़ी सी खड़ी हरी मिर्च। मसाले अच्छे से क्रैकल होने के बाद अब इसमें डालेंगे प्याज, इस तरीके से मैंने स्लाइस में काट के रखा था। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, अब डालेंगे इसमें सब्जियाँ। मैंने गाजर को इस तरीके से लंबे लंबे में काट के रखा था, गाजर डाल देंगे, गोभी डालेंगे और डालेंगे इसमें आलू, साथ में डालेंगे इसमें मटर। अच्छे से सबको फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें एक टमाटर, इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब डालना है हमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, अब डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें चावल से दुगना डालना है, जैसे एक कप चावल है तो दो कप पानी डालेंगे। अब इसको एक बॉयल आने तक पका लेंगे। पानी बॉयल होने लगा है, अब डालेंगे इसमें चावल। चावल को मैंने पहले ही अच्छे से धो लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें लास्ट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो लगाएगा पुलाव में चार चांद। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में मैंने गरम मसाला यूज़ किया है, उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है। अब कुकर को अच्छे से बंद करेंगे और इसमें दो सीटी लगाएंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसको चेक करेंगे। मज़ेदार सा पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है, अब इसको प्लेट में निकालेंगे। बनके तैयार है हमारा मज़ेदार सा विंटर स्पेशल वेजीज पुलाव।